हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे MMRDA में वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पा रहे। तो बात करते हैं MMRDA में वैकेंसीज के बारे में। इसमें जो पोस्ट आए हुए हैं ये आपके कई टाइप के पोस्ट आए हुए हैं। अगर मैं बात करूं कितने टाइप के पोस्ट हैं तो ये टोटल है 6 टाइप के पोस्ट आए हुए हैं। तो चलिए हम एक एक करके एक एक पोस्ट के डिटेल्स को समझते हैं और ये जानते हैं कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप इसमें एलिजिबल हैं और अगर हैं तो कौन से पोस्ट के लिए। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट आया हुआ है वो उस पोस्ट का नाम है जनरल मैनेजर और ये HR के लिए आया हुआ है, जिसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए आपके पास, नहीं तो आपने MBA किया होना चाहिए और MBA इन HR या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में भी आपने अगर MBA किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ इसमें एक्सपीरियंस रखा गया है कि आपके पास एटलीस्ट 15 ईयर का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना ही चाहिए और अगर आपका सिलेक्शन इस पोस्ट में हो जाता है तो जो आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा आपका 1,80,000 टू 2,14,000 पर मंथ के बीच और साथ ही साथ आपको अदर अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा इसमें। लेकिन एक डिजायरेबल एक क्वालिफिकेशन रखा गया है कि आपको एटलीस्ट मराठी भाषा आपको आना चाहिए, आपको समझ में भी आना चाहिए और आपको बोलने भी आना चाहिए, ये इसमें कंडीशन रखा गया है। इसके बाद जो पोस्ट है उस पोस्ट का नाम है मैनेजर और जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए आया गया है और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है कि आपको CA होना जरूरी है या फिर आपको ICW होना जरूरी है। तो ये और साथ ही साथ अगर आपने MBA अगर किसी ने MBA किया हुआ है इस स्पेशलाइजेशन के साथ तो भी इस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है। इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस रखा गया है वो है 7 ईयर का और अगर आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पे हो जाता है तो आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा 67,000 टू 2,08,700 रुपीस पर मंथ। इसमें भी एक कंडीशन है कि आपको मराठी भाषा आना चाहिए, सभी पोस्ट के लिए मराठी भाषा कंपलसरी रखा गया है कि आपको बोलने भी आना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। तो ये सभी सभी पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं तीसरा पोस्ट जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। क्वालिफिकेशन रखा गया है इसमें MBA और MBA इन HR या फिर आपका जो है कोई भी इसी से मिलता जुलता कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। इसके साथ साथ जो इसमें सेलेक्ट होने के बाद आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा 67,000 टू 2,08,700 रुपीज पर मंथ का। इसके बाद इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस रखा गया है 7 ईयर्स का, सेम 7 ईयर्स का आपके पास रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगले पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर और ये HR डिपार्टमेंट के लिए है, जिसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है कोई भी ग्रेजुएशन होना जरूरी है लेकिन MBA आपका कंपलसरी है और एटलीस्ट आपके पास 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेलेक्ट होने के बाद आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा 56,000 टू 1,77,000 पर मंथ। इसके बाद जो अगला पोस्ट है वो पोस्ट है सीनियर सेक्शन इंजीनियर और इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है डिग्री या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इसी से रिलेटेड जो आपके ब्रांच होते हैं उसमें आपका ये डिग्री या फिर डिप्लोमा होना जरूरी है और वर्क एक्सपीरियंस इसमें रखा गया है 4 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास रिलेवेंट एरिया पर और साथ ही साथ अगर आपका सिलेक्शन इस पोस्ट में हो जाता है तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो होगी 47,000 टू 1,51,000 पर मंथ की। तो ये है इसमें यह पोस्ट और जो अंतिम पोस्ट है जैसा मैंने कहा था कि 6 टाइप के पोस्ट है वो है आपका सेक्शन इंजीनियर और इसमें भी आपका जो सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है बस इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 2 ईयर का है। सेम क्वालिफिकेशन इसका मतलब डिग्री या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे रिलेवेंट जो ब्रांच होते हैं उसमें और वर्क एक्सपीरियंस आपका रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए और अगर आपका सिलेक्शन इस पोस्ट में हो जाता है तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा आपका 41,800 टू
132,300 रुपीज पर मंथ के बेस। तो ये है दोस्तों ये सारे कोर्स की डिटेल्स। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का जो तरीका है वो बहुत ही इजी है, तो चलिए उस पर बात करते हैं। आपको सबसे पहले इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, देन आपको इसका एक नोटिफिकेशन विद एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी शो कर देंगे। वहां पर जाके आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसे फिल करना है। फिल करने के बाद आप अपने जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं और आपके सारे एक्सपीरियंस और जो भी आपने गेन किया अभी तक के कैरियर में सबको आपको अटैच करना है। देन उसका एक पीडीएफ कन्वर्ट करके आपको इसके दिए गए ईमेल आईडी में आपको सेंड करना है। अलग अलग कोर्स के लिए इसमें अलग अलग ईमेल आईडी दिया हुआ है, जिसे हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। वहां पर आप इसे सबमिट करना है, देन आपके एक्सपीरियंस और आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन एक पोस्ट पर कर दिया जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद जैसा मैंने बताया आपको एक जॉब मिलेगा, साथ साथ इतने अच्छे पैकेजेस मिलेंगे और एक बहुत ही शानदार एक कैरियर को बूस्ट मिलेगा। तो बिल्कुल देखिए इसे और इसे मिस मत कीजिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कभी भी ऐसे वीडियो मिस ना हो तो हमारे चैनल को टेलीग्राम में भी फॉलो कीजिए, सेम नेम के साथ सेम लोगों के साथ।